नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, पवन व्लॉग्स थानला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मेरे व्लॉग्स के माध्यम से बताऊंगा कि अपने को वोट किसको देना है। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य 3 राज्यों में मिला के 5 राज्यों में चुनाव है। दोस्तों दोस्तों अपना एक वोट सरकार बना सकता है, ये बात याद रखना। अपना एक वोट बहुत अहम भूमिका निभाएगा और अपना एक वोट की कीमत समझना है। जैसा कि अपन जानते हैं दोस्तों कि एक एक व्यक्ति से मिलके परिवार बनता है और एक एक परिवार से मिलके समाज का निर्माण होता है और कई समाज मिलके एक गांव बनाती है और गांव कई गांव मिलके एक ज़िला बनाता है और ज़िले से राज्य बनते हैं और राज्य से मिला के देश बनता है। दोस्तों, अपना भारत देश धर्म निरपेक्ष देश है, तो अपने को ऐसे व्यक्ति को वोट देना है जो जातिवाद ना करे, धर्मवाद ना करे और दूसरा जो हमारे समाज, हमारे गांव और हमारे देश के लिए हितकारी हो। तो दोस्तों, एक बार किसी को भी वोट देने से पहले 100 बार सोच ले। और अभी चुनाव के लिए लोग बहुत सारे खड़े हो गए हैं, तो इनके कार्यकर्ता भी आपको खरीदने की कोशिश भी करेंगे, दारू वारू पिलाएंगे, पैसे देंगे। तो दोस्तों, इन सब के बहकाव में नहीं आना है और उचित व्यक्ति का चुनाव करना है कि कौन अपने लिए सही है और कौन गलत है। तो दोस्तों, किसी को भी वोट देने से पहले अपने समाज, अपने परिवार, अपने गांव और अपने देश के लिए जो सही व्यक्ति हो उसी को चुने और उसको वोट दे। और इसी तरह अपने एक वोट से अपन सरकार को परिवर्तन और सरकार में परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों, ये बात अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।